युग झट से यामिनी से पूछ पड़ता है, रोक सकते हैं यामिनी पर कैसे? यामिनी युग को सब कुछ समझाते हुए कहती है, आपको याद है युग बाबू, वो अघोरी जब वापस लौट कर आया था तो हवेली के अंदर घुसने से पहले उसने हवेली की दीवार पर से कुछ मिटाया था। हमें बस उसी चीज का पता लगाना है कि आखिर उसने क्या मिटाया था। हवेली के दरवाजे पर ऐसी क्या चीज थी जो उस काले साए को हवेली के अंदर घुसने से रोके हुए थी? अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, पर हम उस चीज का पता कैसे लगाएंगे? तारा को भी तो याद नहीं है ना कि अघोरी ने क्या मिटाया था। हवेली की दीवार पर उसे भी वो चीज धुंधली नजर आई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके कि अघोरी क्या मिटा रहा था। तभी तो तारा ने उस बारे में हमें कुछ बताया नहीं था और आगे की बात बताने लग गई थी। अभिमन्यु की ये बात कहते ही सब लोग खामोश हो जाते हैं। युग गहराई के साथ सोचने लग जाता है कि हवेली की दीवार पर क्या बना हुआ था। युग हवेली की दीवार को इमेजिन करने लग जाता है कि वो कैसी दिखती थी, और तब उसे याद आता है कि हवेली की दीवार पर कुछ कलाकृतियां बनी हुई थी, अजीब सी कलाकृतियां। वो उन कलाकृतियों को याद करने लग जाता है कि वो किस प्रकार की कलाकृति थी, उस दीवार पर क्या क्या बना हुआ था। युग उस बारे में याद ही कर रहा था कि तभी तारा छटपटाहट के साथ नींद में से उठती है और बोल पड़ती है, खतरा खतरा खतरा। जैसे ही तारा के चीखने की आवाज वहां पर मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंचती है, सब लोग तारा की तरफ देखने लग जाते हैं। तारा अभी अभी नींद में से उठी थी और काफी घबराई हुई थी। वर्चस्विनी ने तारा को अपने गले से सटा कर रखा हुआ था। वो बार बार तारा के सिर पर अपना हाथ फेरे जा रही थी। तारा को घबराते हुए देखकर सभी लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, बस बिंदु को छोड़कर। बिंदु अभी तक वहां पर नहीं आई थी। वर्चस्विनी तारा से पूछती है, क्या हुआ तारा बेटी, तुम ठीक तो हो? तारा कुछ नहीं कहती है, वो बहुत डरी और घबराई हुई थी। यामिनी तुरंत तारा के पास जाती है और उसे छूते हुए कहती है, घबराओ मत तारा बेटी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत। डायना भी बोल पड़ती है, हाँ तारा तुम घबराओ मत। वर्चस्विनी फिर तारा से पूछती है, क्या हुआ तारा बेटी, तुम इतनी तेज क्यों चीखी? तारा डरते हुए कहती है, वो खतरे में है, खतरे में है वो। युग हड़बड़ाहट के साथ तारा से पूछता है, खतरे में है, कौन खतरे में है? तारा युग की तरफ एकटक देखते हुए जवाब देती है, चित्रा आंटी। जैसे ही तारा ये जवाब देती है, युग एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो बस तारा को देखते रह जाता है, कुछ नहीं बोल पाता है। डायना तारा से पूछती है, क्या कहा तुमने तारा बेटी, चित्रा आंटी खतरे में है? इसका मतलब तुमने फिर से कोई सपना देखा? तारा खामोशी बैठी रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। चित्रा खतरे में है ये बात सुनकर जो सबसे ज्यादा घबराई हुई थी वो डायना ही थी। रही बात युग की, तो वो बस खामोश खड़ा हुआ था, तारा से कुछ नहीं पूछ रहा था, जैसे उसे इस बात का कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कि चित्रा की जान खतरे में है। उसके दिल में चित्रा के लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में तो अभी भी साफ गुस्सा नजर आ रहा था। डायना घबराते हुए फिर तारा से पूछ पड़ती है, बोलो तारा बेटी, तुमने सपने में क्या देखा? तारा डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैंने कोई सपना नहीं देखा। डायना तुरंत पलट कर पूछती है, सपना नहीं देखा तो क्या देखा तुमने तारा? तारा डायना की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने बस ये देखा डायना दीदी कि चित्रा आंटी खतरे में है, वो भाग रही थी। अभिमन्यु अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, भाग रही थी पर किससे? तारा अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, पेन से। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तारा बेटी तुमने, पेन से? तारा कायर की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ पेन से, एक पेन उनके पीछे लगा हुआ था जिसके अंदर तेजाब भरा हुआ था, जहां पर भी उस पेन की लाल इंक गिरती थी वो जगह जल जा रही थी। डायना हड़बड़ाहट के साथ तारा से पूछती है, तुमने और क्या देखा तारा बेटी, चित्रा आंटी ठीक तो है ना? तारा डायना से कहती है, और मैंने 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 बस यही देखा कि वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। डायना तारा पर दबाव बनाते हुए कहती है, याद करने की कोशिश करो तारा, शायद तुम्हें कुछ और याद आ जाए। रजनी डायना की तरफ देखते हुए मन में सोचती है, ये डायना को चित्रा की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है? चित्रा की फिक्र तो खुद उसके बेटे युग को भी नहीं हो रही है, आखिर चक्कर क्या है? तारा अपने दिमाग पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश करते हुए कहती है, और देखते ही देखते तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और चित्रा के बारे में याद करने लग जाती है। तारा मन ही मन चित्रा के बारे में सोचते हुए खुद से कहती है, आप कहाँ पर हो चित्रा आंटी, कहाँ पर हो आप? तारा पूरे मन से चित्रा के बारे में सोचने लग जाती है और देखने की कोशिश करने लग जाती है कि चित्रा इस वक्त कहाँ पर थी।
तारा बार बार अपने आप से यही सवाल कर रही थी और देखते ही देखते तारा इतनी एकाग्रता के साथ सोचती है कि उसे चित्रा दिखने लग जाती है। तारा अपनी आंखें बंद करते हुए ही कहती है, दिख गई मुझे चित्रा आंटी, वो अभी भी भाग रही हैं। तारा की बात कहते ही डायना हड़बड़ाहट के साथ तारा से पूछती है, भाग रही है पर कहां पर? तारा झट से जवाब देती है, गांव में ही। इसी के साथ तारा उन लोगों को वो सब बताने लग जाती है जो उसे आंखें बंद करने के बाद दिखाई दे रहा था। चित्रा इस वक्त अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसके पीछे जानलेवा पेन अभी भी लगा हुआ था जिसके निब से लगातार तेजाब निकलते जा रहा था और चित्रा उससे बचते हुए भागते जा रही थी। वो काफी थक चुकी थी फिर भी वो भागते जा रही थी। भागते भागते वो रोंकामुचा घाट पर पहुंच गई थी और इस वक्त किश्नोई नदी पार कर रही थी। चित्रा को खुद पता नहीं था कि वो कहां पर जा रही थी, वो बस भागते जा रही थी। उसे किसी भी तरह अपनी जान बचानी थी, उस जानलेवा पेन से छुटकारा पाना था, पर उसे नहीं पता था कि उससे छुटकारा कैसे मिल सकता था। चित्रा भागते हुए घबराते हुए मन में सोचती है, इस पेन का क्या करूं मैं, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, कैसे बचूं मैं इससे? यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा भागते जा रही थी। भागते भागते वो दो तीन बार गिर भी चुकी थी जिस कारण उसके हाथ पैर में चोट लग चुकी थी, पर फिर भी वो बार बार उठ रही थी और भागे जा रही थी। इन सब चीजों के दरमियान भी उसने अपना बैग नहीं छोड़ा था, उसे वो कसकर पकड़े हुए थे। भागते ही भागते उसने किश्नोई नदी पार कर ली थी। वो पेन अभी भी उसके पीछे ही लगा हुआ था। पेन से अपनी जान बचाते हुए चित्रा एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां उसे अकेले नहीं होना चाहिए था। वो कब वहां पर आकर खड़ी हो जाती है उसे खुद पता ही नहीं चलता। जब वो सांस लेने के लिए कुछ देर के लिए रुकती है और अपनी नजरें ऊपर करती है तो देखती है कि उसके सामने ग्रेवयार्ड कोठी थी जिसका दरवाजा खुला हुआ था। चित्रा घबराते हुए खुद से कहती है, ये क्या, मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गई, मैं तो कहीं और जाना चाहती थी। वो पेन चित्रा के पीछे ही था जिससे तेजाब निकलते जा रहा था और वो चित्रा के पास ही पहुंचने वाला था। चित्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पर जाए, उसे बस एक रास्ता नजर आ रहा था और वो था ग्रेवयार्ड कोठी। वो पेन तेजी के साथ चित्रा के पास आ रहा था। वो पेन चित्रा के पास पहुंचता उससे पहले ही चित्रा झट से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है और धड़ाम से गेट बंद कर देती है। गेट बंद करते ही चित्रा लंबी लंबी आहें भरने लग जाती है, कस कस कर हांफने लग जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, इतना अंधेरा कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से सन्नाटा छा गया था, इतना सन्नाटा कि चित्रा को उसके दिल की धड़कने साफ सुनाई देने लग गई थी। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर पहुंचकर अभी चित्रा चैन की सांसें ले ही रही थी कि तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर चित्रा का दिल और जोरों से धड़कने लग जाता है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान अपने दोनों हाथों से दरवाजे को ठोक रहा था। धीरे धीरे दरवाजा ठोकने की आवाज बढ़ने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर चित्रा ने दरवाजा नहीं खोला तो बाहर खड़ा शख्स दरवाजा तोड़ देगा। चित्रा के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके आसपास हो क्या रहा था। चित्रा कुछ समझ पाती उससे पहले ही दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है बाहर से हल्की हल्की लाल रोशनी दरवाजे से अंदर की तरफ आने लग जाती है। उस लाल रोशनी में चित्रा देखती है कि दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं हुआ था और वो लाल रोशनी कहीं और से नहीं उस पेन की निब से निकल रही थी जहां पर से कुछ देर पहले तेजाब निकल रहा था। वो पेन धीरे धीरे फिर चित्रा के पास आने लग जाता है। चित्रा घबराती तो है पर इस बार अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलती क्योंकि उसके अंदर अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो एक कदम भी अपनी जगह पर से आगे बढ़ा पाए, वो इतना ज्यादा थक गई थी। चित्रा एकटक नजर से उसी पेन को देखे जा रही थी। वो पेन चित्रा के चेहरे के एकदम सामने आकर रुक जाता है। चित्रा को लगता है कि अब उस पेन में से तेजाब निकलेगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसका खेल खत्म हो जाएगा। ये सोचकर एक पल के लिए चित्रा की सांसें थम सी गई थी, पर उसी वक्त वो पेन थोड़ा और ऊपर उठता है और चित्रा के सर के ऊपर से जाते हुए दूसरी तरफ जाने लग जाता है। चित्रा उस पेन को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये कहां पर जा रहा है? चित्रा पीछे मुड़कर उस पेन के मूवमेंट को देखने लग जाती है और वो पेन हॉल के एकदम बीचों बीच आकर रुक जाता है। उस पेन की लाल रोशनी जब आसपास फैलती है तो चित्रा देखती है कि वो पेन किसी के हाथ में था। किसी आदमी ने उसे अपने हाथ में पकड़ कर रखा हुआ था। उस आदमी का मुंह दूसरी तरफ था जिस कारण चित्रा को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उस आदमी के हाथ में वो पेन आता है उसकी निब में से जो लाल रोशनी निकल रही थी वो निकलना बंद हो जाती है। अचानक से अंधेरा हो जाता है। ये देखकर चित्रा और ज्यादा घबरा जाती है।
चित्रा डर के साथ खुद से बड़बड़ाती है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। चित्रा ने इतना कहा ही था कि तभी झट से लाइट आ जाती है। जैसे ही रोशनी आती है, चित्रा देखती है कि हॉल के बीचों बीच जो आदमी खड़ा हुआ था, उसका पहनावा जाना पहचाना लग रहा है। वो आदमी दूसरी तरफ अपना मुंह करके खड़ा हुआ था, जिस कारण चित्रा को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे उस आदमी के पास अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। जब चित्रा वहां पर पहुंचती है और उस आदमी को करीब से देखती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिर्फ वो आदमी का पहनावा ही जाना पहचाना नहीं था, बल्कि वो पूरा का पूरा आदमी जाना पहचाना था। चित्रा उसे अच्छे से जानती थी। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, अनुराग तुम? चित्रा के सामने कोई और नहीं बल्कि अनुराग खड़ा हुआ था, जिसने अपने हाथ में पेन पकड़ कर रखा हुआ था। पहले तो चित्रा के समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता था, अनुराग वहां पर कैसे हो सकता था। पर चित्रा की नजर जब उसकी पीली आंखों पर पड़ती है, तो वो समझ जाती है कि उसके सामने जो शख्स खड़ा हुआ था वो अनुराग नहीं बल्कि कोई और ही है। अनुराग के अंदर उस काले साए ने प्रवेश किया हुआ था। अनुराग चित्रा के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग जाता है, जैसे वो उसके पूरे बदन का जायजा ले रहा हो। चित्रा की नाभि स्पष्ट नजर आ रही थी, अनुराग की नजर उसी पर जमी हुई थी। उसकी आंखों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि चित्रा की नाभि देखकर अनुराग के मुंह में पानी आ रहा था, उसके तन बदन में आग लग रही थी। चित्रा तुरंत अपनी साड़ी से पेट को कवर कर लेती है। अनुराग डरावनी भारी आवाज में कहता है, तुम आज भी नहीं बदली चित्रा, तुम्हारा बदन आज भी उतना ही मखमली और कामुक है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।